वेलकम बहनों, आज आपका फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर अन्नपूर्णा पाकशाला में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल ढोकली, जिसके लिए हमें चाहिए। तो दाल ढोकली के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है, ये हमने तीन प्रकार की दाल ली है। एक मूंग दाल है छिलके वाली, एक प्याला, दूसरा प्याला बिना छिलके वाली, यही मूंग दाल है, और आधा छोटा प्याला चने की दाल। तो इसको मैंने तीनों को मिला के एक घंटे पहले भिगो दिया है इस तरह से। तो इसको मैंने भिगो दिया है, ये कम से कम एक से डेढ़ घंटा हमने भिगोया है इसको, तीनों को मिक्स करके। ढोकली बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा एक बड़ा प्याला, एक छोटा प्याला चने का आटा यानी बेसन, एक छोटा प्याला सूजी और दो बड़े टमाटर कटे हुए, दो प्याज कटे हुए, बारीक कसा हुआ अदरक, थोड़े से धनिए, एक हरी मिर्च कटी हुई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तीन ग्लास मैंने पानी डाला है गरम होने के लिए। पानी हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। और आधा छोटा चम्मच इसमें हम हींग डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम ढक्कन देके रख देंगे। इसमें हम कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, प्लेट का ढक्कन लगाएंगे। तब तक हम अपनी ढोकली बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बर्तन ले रही हूँ, इसमें हम ये आटे को डाल देंगे और छान लेंगे। बेसन को डाल के वो भी हम छान लेंगे इस तरह से। सूजी, अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग चुटकी भर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, दो चम्मच हम तेल डाल देंगे मोइन के लिए। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से इसका टाइट डो बना लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें अच्छे से मोइन भी आ गया है। अब हम इसको टाइट गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको अच्छे से टाइट गूंथ लेंगे।
का आपने देखा, हमने अपने आटे को अच्छे से गूथ लिया है। इसको हमने बहुत टाइट गूथा है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। आप जितना चाहे आकार दे सकते हैं, छोटे बड़े। इस तरह से हम लोई बनाएंगे और उसका पेड़ा बना के उसमें एक खड्डा कर देंगे उंगली से। इस तरह से हम अपनी सारी ढोकली बना लेंगे। इसी तरह से आपने देखा, इस तरह से हमने अपनी सारी ढोकली बना ली है। अब हम दाल को देख लेते हैं। बीच में तो दाल हमारी आधी से ज्यादा पक गई है, क्योंकि ये भीगी हुई थी तो बहुत जल्दी पक गई। अब हम इसमें ये सारी ढोकली छोड़ देंगे। हम एक कप पानी और डाल रहे हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे एक सीटी लगाएंगे। तो हमारी एक सीटी आ गई है। अब हम इसको प्रेशर निकाल के देख लेते हैं। तो आपने देखा, हमारी ढोकली बहुत अच्छे से फूल के ऊपर आ गई है और दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए तिल का तेल लिया है, 3 चम्मच डाला इसमें। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, और बारीक कटे टमाटर। अब हम अच्छे से इसको भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। हम इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो हमारा ये तड़का बनके तैयार हो गया। अब हम इसको ढोकली पे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमारी ढोकली बनके तैयार हो गई। दाल भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। ये थोड़ी खड़ी भी दिखनी चाहिए। तो आइए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आपने देखा,
हमारी दाल ढोकली बनके तैयार हो गई। हमने दाल को पहले 1 से 1.5 घंटा भिगो दिया था, तो इसलिए बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ जैसलमेर। धन्यवाद।